सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे दीपावली की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली पे इस बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 31 तारीख को मनाएं कि 1 तारीख को दीपावली मनाएं। पर आप और हम सभी विद्वानों के मत को मानते हैं और विद्वानों के मतों में ये बात मानी गई है कि जिस दिन अमावस्या हो और अमावस्या में जो दीपावली का पूजन है वही हमको करना चाहिए। तो इस बार शाम के समय 1 तारीख को अमावस्या नहीं रहेगी और अमावस्या में ही हमको पूजन करना है माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का। तो इसलिए 31 तारीख को ही हम लोग दीपावली मनाएंगे। दीपावली में हम लोग कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन, श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। और इस पूजन में जिन लोगों को धन का अभाव होता है और जो धन के प्रार्थी होते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं धन मिले, उनको माँ लक्ष्मी का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। तो 31 तारीख को हम लोग दीपावली महोत्सव मनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये समझें कि दीपावली में पूजन के लिए सारी शुभ सामग्री होनी चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि सारी सामग्री वो हमारे पास में हो, घर से होनी चाहिए, कहीं और से नहीं। जैसे हम लोग भोग भी बनाते ना तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए माँ लक्ष्मी को। लेकिन सफ़ेद मिठाई क्या है, हम अगर बाजार से लाएंगे तो वो कैसी मिलेगी हमें पता ही है। आजकल तो आप सब देख ही रहे हैं कि क्या क्या मिला रहे हैं बनाने वाले। अब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पर जो कुछ षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों को आप जानते हैं। तो नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए माँ लक्ष्मी को, क्योंकि नारियल सफ़ेद है और उसको श्रीफल भी कहा गया है। उसके बाद में खील चढ़ाने चाहिए। जब धान की खेती होती है तो उसका जो अग्रभाग है श्री खील वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। बतासे जो चीनी से बनते हैं, सफ़ेद रंग की मिठाई माँ लक्ष्मी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। तो इन सब कार्यों को करें और पवित्रता का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी का पूजन गणेश जी के साथ में किया जाता है कि लक्ष्मी आए लेकिन बुद्धि ऐसी भी रहे कि हमारा उसका प्रयोग कैसे करना है। लक्ष्मी जब आ जाए तो उसका सदुपयोग करना है। पीने खा के और गिरे रहना, जुआ खेलना आदि जो बुरे व्यसन है, और मूवी देखना भी अभक्ष भोजन है वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो मैं आपको पूजन का भी समय मुहूर्त बताता हूँ। प्रदोष काल लग्न जो है वो शाम 5:40 से रात 8:16 तक है, और ये जो दूसरा मुहूर्त है वो है शाम 6:31 से रात 8:28 तक है, और जो सिंह काल लग्न है वो है रात को 1:01 से रात्रि 3:17 तक है। तो आप इन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, दीपावली का पूजन करें और गणेश जी का पूजन करें। हम इस दीपावली पे एक दीपक एक्स्ट्रा हमको जलाना है, और वो एक एक्स्ट्रा दीपक होना चाहिए किसके लिए, अपने सनातन के रक्षा के लिए और अपने परिवारिक जनों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों को सनातनी बनाने के लिए। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करें, गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे, प्रिया कांजू आपको खूब चकाचक रखें, राधे राधे।